क्या सीधी लोकसभा से पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला चुनाव लड़ सकते हैं? तो क्या विधानसभा चुनाव में बगावत करके अब पूर्व भाजपा विधायक पछता रहे हैं? शायद अब विधायक जी को यह लगता होगा कि भाजपा से बगावत न किया होता तो अच्छा होता, शायद आज दिल्ली की रेस में मैं भी खड़ा होता। शायद अब उन्हें ये लगता होगा कि भाजपा छोड़ के हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है और हमारा टिकट डॉक्टर साहब को मिल गया है। फिलहाल जनता के बीच इस समय एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि बतौर लोकसभा कांग्रेस के रूप में सीरी संसदीय क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक चुनाव मैदान में हो सकते हैं। जनता के बीच जोरों से ये चर्चा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला इस बार कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश के किसी भी सीट में लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी कर दी थी। पहली सूची में कुल 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को केरल के वायनाड सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड, इन राज्यों की 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन पहली सूची में मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के बिंद की बात करें तो यहां की चारों लोकसभा सीटों में कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस में लगातार बगावती दौर भी जारी है। अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब भाजपा के पाले में खड़े हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी आज शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी अब चुनाव मैदान में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि इस बार मोदी लहर में हम नहीं टिकेंगे बल्कि अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। वैसे भी भाजपा हमेशा से कांग्रेस में वंशवाद की बात करती रहती है, इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती यह भी है कि क्या कांग्रेस वंशवाद को दोहराएगी। अगर कांग्रेस वंशवाद दोहराती नहीं भी है तो बाकी कांग्रेस के पास कोई चेहरा भी नहीं है जिसे कांग्रेस बतौर लोकसभा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकता। वहीं अगर बिंद की चार लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हाथ खड़ा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि दो बार लोकसभा में किस्मत आजमा चुके अजय सिंह राहुल भैया चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयार नहीं है और न ही पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है और कांग्रेस के पास अब ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जो भाजपा की लहर को टक्कर दे सके। अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी मीटिंग 11 मार्च को होनी है और उसके बाद ही लोकसभा की अगली सूची जारी की जाएगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरी सूची में किन राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि 11 मार्च के बाद आने वाली कांग्रेस की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।